हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए भिंडी दो प्याज़ा बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं आधा किलो भिंडी। ये देखिए, मैंने बड़े बड़े साइज में काटा है, छोटा नहीं करना, इसको थोड़ा बड़ा साइज रख लेंगे। ये चार मीडियम प्याज हैं जिसको बड़े बड़े पीसेस ही काटे हैं और उसको अलग अलग कर लेना उसकी स्किन को। ये दो मीडियम टमाटर जिसकी स्किन मैंने अलग कर रखी है, मैंने उसको छील रखा है। ये दो मिर्ची हैं, हरी मिर्च, एक मीडियम प्याज छोटा छोटा कटा हुआ, हल्का हल्का देख रहे होंगे, थोड़ी सी डाइस बनाई है मैंने। मसाले में है आपका टेस्ट अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, सब्जी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। आइए अब फिर से हरी मिर्च डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, यानी ये 1.5 सर्विंग स्पून है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं है, धीमे से हम इसको गर्म होने देते हैं। अब ये गर्म हो चुकी है, इसमें जो हमने भिंडी काटी थी उसको डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। एक बार में याद रखिएगा, डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको फ्राई करना है और इसको चलाते रहिए, धीमे धीमे चलाते रहिए। ऐसे ही इसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि भिंडी की आदत होती है कलर बदल देती है वो, इसलिए इसको आप धीमे धीमे चलाते रहिए, कढ़ाई में डाल के छोड़ मत दीजिए इसको। तब तक इधर हमने जो प्याज रखे हुए हैं इसको अलग अलग करते जाना है, पूरे अलग अलग कर देने हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी मुझको मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉकिंग करना और एक हाथ से ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी नहीं कुछ नहीं होता है। देखिए धीमे धीमे हर एक पीस अलग अलग हो गया है उसका पूरा प्याज। इधर भिंडी हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, अब उसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए धीमे धीमे बाकी जो आपकी कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था उसको और ऐड मत करें, उसी चिकनाहट पे ही इस प्याज को भी तलें। आप देख रहे होंगे मैंने अलग से कोई ऑयल उसमें ऐड नहीं किया है, उतने ही ऑयल में करिए। इसको भी चलाते रहें, जल्दी जल्दी चलाने से कलर नहीं बदलेगा। ओके, आपको दिखाई पड़ा होगा इसको मैंने गुलाबी भी नहीं किया है, बस हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, तब तक इधर हम टमाटर जो हमने काटे थे उसके अंदर के बीजे और गुदे को अलग निकाल ले रहे हैं और उसकी स्किन को अलग कर दे रहे हैं, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। और जो आप ये देख रहे हो अंदर को गुदा निकालना है, इसको हम बस नहीं करेंगे, इसको भी पीस पीस करेंगे। अब ये देखिए, उसी कढ़ाई में हमने छोटे छोटे प्याज जो हमने काटे थे उसको डाल दिया, ही ऑयल है, अलग से ऑयल नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आपको, उसी ऑयल ही चिकनाहट में यूज कर रहे हैं। देखिए अब ये दो जो हरी मिर्च थी उसको डाला, इसको भी चलाते रहिए। हल्दी चलाने से कभी मसाले या सब्जियां कलर नहीं बदलती, अगर आप छोड़ दें कलर बदलते, टाइम है मसालों की। धीमे धीमे एक करके इसको ऐड करते रहिए, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और पहले सब्जी मसाला और अब हल्दी है, इसको भी चलाते रहिए। ये देखिए और बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल जरा सा बस उसको जल्दी चला, मसाला चटकने ना पाए, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल बहुत करने से, इसलिए कॉन्टिन्यू चलाते हैं। अब जो बीज का पल्प निकला था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया टमाटो का, और उसको भी यूज़ कर रहे हैं। टमाटो पल्प था उसको पीस के मिक्सी में इसमें मैंने यूज़ कर लिया, इससे जो हमारे मसाला है वो पक जाएगा। अभी देखिए टमाटर, जो टमाटर थे उनके छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए थे, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। प्याज और भिंडी जो हल्की थी उसको भी मैंने डाल दिया,
ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, बहुत प्यारा कलर है। ना प्याज ने कलर चेंज किया और ना भिंडी ने, टेस्ट भी खाने में आपको अलग सा आएगा जब आप इसको इसी प्रोसेस से बनाएंगे। इतनी खूबसूरती है, उतना ही स्वाद भी मिलेगा आपको इसको खाने में। आप एक बार बना के जरूर देखिए। बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहिए, रुक रुक के। देखिए ये मेरी भिंडी तो प्याजा तैयार है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।